नमस्कार दोस्तों, मैं जतन सिंह और थे देख रहे हो चूरू झलक। आज है वह एक बड़ी खबर आ रही है अपने सिद्धमुख के मां चौधरी हॉस्पिटल है। चौधरी हॉस्पिटल के सामने दो लड़का है वह एक महिला की डेड बॉडी है जो बाकी मां बताई जाए वह लेके बैठे है और बा को कहना है कि जो बाकी मां है वह सही सलामत बढ़ ले गई और हॉस्पिटल के डॉक्टर बने ओवरडोज देके और मार दी। या बाबू साफ साफ कहना है हमारा सहयोगी पत्रकार अमित शर्मा बड़ा पूछा और ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और पीड़ित परिवार है बाऊ भी बातचीत करी और जो डॉक्टर टीम है बाऊ भी बातचीत करी, हॉस्पिटल को जो इंचार्ज है बाऊ भी बातचीत करी है और आगे को वीडियो थे पूरा देखो मैम के कतरा बताया गया है और परिवार को जो है वो के आरोप है और डॉक्टर की के सफाई है पूरा देखो। पुलिस प्रशासन है वो बड़ा पूछ चुके हैं। फिलहाल डेड बॉडी है वो हॉस्पिटल के सामने एक गाड़ी के अंदर है। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखो बस। और यहाँ पे अभी एक घटना हुई है उसके बाद जो ये जो भाई है ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और काफी दुखी नजर आ रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सर बात क्या हुई है, आप आखिर यहाँ पे क्यों बैठे हुए? भाई हम मेरी मम्मी को सही सलामत लेके आए थे, ओवरडोज देके इनने मार दिया, इंजेक्शन देके मरी हुई की बॉडी ना अंदर डाल के 5 घंटा रखा भाई बंद है वो ऑक्सीजन डाल के बोलते है लेके जाओ। नहीं बताओ हमारे भाई पालने वाले ये ही है भाई। आप मीडिया से रिक्वेस्ट है भाई आप इंसाफ करा दो। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई, पालने वाली मेरी माँ थी, मेरी माँ को मार दिया इन लोगों ने। कब लेके आए थे? अभी भाई शाम को लेके आए थे, दोपहर में। दोपहर में लेके आए थे। और हॉस्पिटल वालों ने आपको क्या जवाब, कब जवाब दिया? अभी शाम को 6 घंटे रखा भाई। इन्होंने ये नहीं कहा भाई रेफर कर लो, वही दवाई देते रहो, मरी हुई की डेथ बॉडी डाल के बोल रहे लेके जाओ। भाई ये अपनी पैसे की पावर से हमें दबा रहे हैं भाई, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। बस हमारी माँ को मार दिया, हम चाहते हैं हॉस्पिटल बंद हो। हॉस्पिटल पीड़ित परिवार है साफ साफ या कही है कि हॉस्पिटल का डॉक्टर है सामने लेके आओ और हॉस्पिटल सीज होना चाहिए नहीं तो मैं उरे सुसाइड कराऊंगा। हॉस्पिटल सील और वो जो हॉस्पिटल वाला उसको लेके आओ, उसको फांसी होनी तो हम तो सुसाइड करेंगे यहाँ। हमारे तो हम तो उजड़ गए, मेरा परिवार ही खत्म हो गया पूरा। छोटे छोटे बच्चे मेरे, उनको कौन से मारेगा? हमारे साथ यहाँ के सरपंच मामलो आई तो बढ़ चुके हो क्योंकि बैठक के सरपंच है बाने भी बैठानो पड़े हो और सहयोगी पत्रकार अमित शर्मा सरपंच साबू बात करता नजर आया। प्रशासन से बात की है? नहीं सर, मैं तो नहीं की है, बात तो नहीं की है। अभी मैं तो सुना है ये कितनी देर से आए दबने की दवाई है तो पहले चालू कर रखी थे तो कुछ कमजोर होते थे ऑक्सीजन लगा के आगे रेफर करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी इधर खड़ा हुआ है, हम पुलिस प्रशासन से बात कर लेते हैं। थाना अधिकारी महोदय वो खड़े हुए होंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। अंदर जा रहे सर, एक बार रुको भाई, अंदर गए सर। आपने अभी अंदर हॉस्पिटल प्रशासन से बात की होगी, लड़कों से भी बात की होगी, पूरा मामला क्या है? कोई एक महिला का स्वास्थ्य खराब था जिसको हॉस्पिटल लेके आना बता रहे हैं जी। हॉस्पिटल में उसको फर्स्ट एड देके वहाँ से रेफर किया, अब ये बता रहे हैं उसकी केयर। तो रेफर करने से पहले आपने हॉस्पिटल प्रशासन से बात की है और लड़कों से बात की, दोनों की बात में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? अभी कोई विस्तृत बात हुई नहीं है, लड़कों से भी बातचीत करी मामला। हमारा सहयोगी पत्रकार है वे एटीएम का मायने जो हॉस्पिटल का जो कर्मचारी है बाऊ भी बातचीत करेगा और हॉस्पिटल में जो इंचार्ज है बाऊ भी बातचीत करेगा। और ये अभी फिलहाल तस्वीरें हैं वह लाइव हैं और थे देख सको एटीएम में हॉस्पिटल के प्रशासन हो बातचीत करने के लिए अमित शर्मा जी है वह अंदर गया है और प्रशासन को हॉस्पिटल को क्या कहना है पूरी बात। हॉस्पिटल के इंचार्ज भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर बाहर दो लड़के बैठे हुए हैं अपनी मदर की डेड बॉडी लेके बैठे हुए हैं, उनका कहना यह है कि हॉस्पिटल के अंदर हम उनको अच्छी तरह लेके आए थे, उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया और उनकी डेड बॉडी। आपका क्या कहना है, पूरा मैटर आप हमें बताएं। हमने जो सीरियस पेशेंट आया उनको रेफर किया जी, और रेफर वो बोले कि तुरंत उपचार करो, एक बार उपचार कर दिया और फिर रेफर करने लगे तो हमने तो यहाँ से मतलब ऑक्सीजन वगैरह लगा के हमारा सिलेंडर वगैरह दे के फिर सारा वो किया, उनको रेफर किया। रेफर कर दिया चौधरी हॉस्पिटल जो महिला डॉक्टर बंग आरोप हो कि बंग भी नुकसान पहुंचाया गया है। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते मैं ये तस्वीर थाने दिखा कौन सका सीधी सीधी सारा तोड़ फोड़ कर दिया है तो देखा ही होगा।
हमने अभी जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन से बात भी की है, लड़कों से भी बात की है। लड़कों का कहना है कि वो यहाँ पे अपनी माता को सही सलामत लेके आएंगे, सही पर उनको स्लेपर नहीं कहना है। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन से जब हम बात करें, डॉक्टर साहब से, इंसाफ से बात की है, मैडम से हमने बात की है, इनका कहना यह है कि इन्होंने जो है वो सही सलामत उनको रेफर, यहाँ से जो फर्स्ट एड देने के बाद में रेफर कर दिया था, ऑक्सीजन मास्क भी लगा के उनको रेफर किया था, उसके बाद उनकी डेथ हुई है। वो लेके नहीं गए हैं टाइम पे। बाहर पुलिस प्रशासन से भी हमने बात की थी, तो अभी जो मामला है वो उनसे बातचीत करने के बाद में आगे जो होता है वो पता लगेगा। उनका कहना यह है कि यहाँ पे उनके द्वारा तोड़फोड़ भी की गई है और हाथापाई तक की यहाँ पे नौबत आई थी। ऊपर जाने के बाद वो लेके, आपको मैं मौका आगे अंदर का दिखा देता हूँ, फिर अंदर देखो मेरा घर का हाल देखो, क्या हुआ है। हेलो, हाँ ना 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 दीदी, यहाँ पे आप किस साइड में यहाँ जो है वार्ड के अंदर जो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह ये रखे हुए हैं, स्कूटी है वो भी टूटी हुई है, यहाँ पेशेंट और भी पेशेंट है काफी रुके हुए हैं यहाँ पे। इनके साथ के जो पेशेंट है, उनके जो साथ है उनसे हम बात कर लेते हैं। आखिर मामला क्या, आप हमें बताइए क्या हुआ? साथ ये बताऊंगा सर, आप उनके साथ में थे? हाँ, क्या हुआ था यहाँ पे? डॉक्टर साहब ने रेट रकम की मानी, बाद में दूसरी उल्टा ले लिया है, पापा था मान कर रट मेरा क्या हाथ का मां स्कूटी तोड़ दी मेरे का नहीं बाध्य इन गाड़ी ले जाती और पांच छिना के है तो सगन रूप की दियो है और सीधा नहीं लगाई है बोले जूंगू का नट को ठा भी नहीं जूंगा अभी भी। अब ऊपर देखो मेरा रेजिडेंस का क्या हाल कर रखा है, मतलब उनका इन लोगों का अभी यहाँ पे कहना है, तो साथी पेशेंट है उनका कहना भी यहाँ पे है कि इन लोगों ने यहाँ से रेफर कर दिया था, रेफर करने के बाद वो यहाँ पे वापस ले गए हैं, उसके बाद यहाँ मारपीट भी हुई है और तोड़फोड़ भी हुई है। उनका इन लोगों का बताना यह है कि जो वो इनका डॉक्टर का जो निवास स्थान होता है अभी हॉस्पिटल भी आपको लेके जाते हैं, वहाँ पे भी तोड़फोड़ हुई है, मारपीट का यहाँ पे थोड़ा मसला नजर आ रहा है कि इन लोगों ने यहाँ पे आने के बाद आक्रोश में या दुख के अंदर आके जो जो घटना हुई है देखा जा रहा है कि जो शीशा है वो पूरा तोड़ दिया गया है, अंदर तक आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लोर मैं एक बार कैमरा मैन को करूँगा कि यहाँ पर आके ऐसे बोला कि डॉक्टर साहब कहाँ है किधर है, बोले इस बच्चे को उठाऊंगा और बोले आप बोले डॉक्टर साहब की लेडीज हो क्या, मैं आपको गाड़ी में उठा के लेके जाऊंगा। तो मतलब जो पूरा वाक्य है बाहर की बात और अंदर की बाहर नजर आ रही है घटना। ये कहा लॉरेंस गैंग का आदमी हूँ मैं, सारा मरवाऊंगा, लॉरेंस गैंग का आदमी हूँ या कह लो नहीं चलने दूंगा डॉक्टर, लॉरेंस गैंग का आदमी बताओ। डॉक्टर साहब की मैसेज है, उनका कहना है कि उन्होंने इन्हें धमकी भी इन्हें दी गई है और तोड़फोड़ है यहाँ पे आपको साफ नजर आ रही है। बाहर जो है लड़कों का कहना यह है कि उन्होंने यहाँ पे अपनी मदर को सही सलामत छोड़ा था, आपको मैं फिर से कर देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे सही सलामत छोड़ा था, उसके बाद उन्हें टाइम पे रेफर नहीं किया गया, जिसके कारण वो आक्रोश में है। इस समय उनका कहना है कि डेथ जो हुई है वो हॉस्पिटल स्टाफ के कारण हुई है, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जब हम बात करें, हॉस्पिटल के अंदर वालों से जब हमने बात की है, हॉस्पिटल स्टाफ से बात की है, अंदर जो साथी पेशेंट है उनसे बात की है, तो उन्होंने उनका कहना है कि रेफर कर दिया गया था परंतु बाद में वो बॉडी को लेके आए हैं, लेके आने के बाद में यहाँ जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। अभी यहाँ पे पुलिस प्रशासन है वो भी आया हुआ है, बातचीत हो रही है, बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है उसे हम आपको अपडेट करवाएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए।